देखो उम्मी बेटा, अगर हम तुम्हारा नाम सुर्खियों में लाएंगे तो ये ऐसा होगा कि दुश्मन के हाथ में खुद हथियार देना। बेटा इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, आदि पाक साफ है, नीट एंड क्लीन, समझ रहे हो? सिर्फ एक गलती हुई है हमसे, उसकी इतनी बड़ी सजा हमें काहे भुगतनी पड़ रही है। देखो हमारी तरफ देखो, इधर देखो, ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे बेटे आदि की जिंदगी में वो काव्य भंसल आ गई। तुम अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो ना, तो काव्य बंसल को इस घर में आने से रोको, क्योंकि बेटा जब तक वो आदि की जिंदगी में है तब तक तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। मेरे दोस्त मर गया जहरीली शराब पीने से। हम जानते हैं कि कौन है वो। सर हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीड मिली है। एक आदमी मिला था, वो बहुत ज्यादा जख्मी था, किसी ने मारा है उसे। ओ भाई तू ब्रेक लगा, तू आउट है इस केस से, सस्पेंड। क्या? ओ भाई कल सवेरे तक मेरा बच्चा इतना परेशान हो रहा है, इतनी जोर जोर से अंदर कूद रहा है, मुझे लग रहा है इसने 3 हफ्ते पहले आ जाना है यार। ओए काके ले जा इसे घर, रेस्ट करना ठीक है। आदि तुम खुद से चल सकते हो? गुड़िया तूने सुना नहीं, सस्पेंडेड है तू। अरे फोन फोन कर रहा है काव्य। मैं हेलो, हाँ हम ठीक है, घर आ रहे हैं अभी। चलेगा? चलो। उसे अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने बोला घबराने की कोई वजह नहीं है, बहुत बहादुर है काव्या। काव्या तू जरा इधर बैठ, आराम से बैठ। क्या जरूरत है अकेले जाने की, किसी को साथ लेकर नहीं जा सकती क्या? वहां इतनी सीरियस बात नहीं थी, हम काम ही कर रहे थे। अब किसकी बातों में आ रही है, बड़ा चढ़ा के बता रहे आपको। बैठ, हम तुम दोनों के लिए सूप लेकर आते हैं गरम गरम। पड़ी ना डांट, मजा आया? तो भाई सही सलामत वापस फिर। अच्छा इसे वही छोड़ देना चाहिए था ना, मैं यार पहले बोलता ना यार। थैंक यू दीदी की जान बचाने के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पे? वहां ठंड में हम बंद थे, आदि नहीं और हग्स उसे मिल रहे हैं। तो ठीक है इसे भी हग कर लेते। उसने
छल्ले नालायक लड़के से हमारी काव्या की कोई बराबरी नहीं है। उसको क्या पड़ी है, उसका बाप है ना, वो उसका जीवन बना देगा। हमारी बेटी उस आदमी की बहू कभी नहीं बनेगी, उसके लड़के से शादी कभी नहीं करेगी वो। मम्मी, वो लड़की बहुत खतरनाक है, अगर वो लड़की इस घर में आ गई, बड़ा हुआ मुर्दा मुर्दा नहीं रहेगा। अगर पापा आदि उस लड़के से प्यार करता है, इसीलिए तो कह रहे हैं होमी बेटा, इसी प्यार में अंधा होकर के आदि कुएं में भी कूद जाएगा। उस लड़की को इस घर में आने से रोकना होगा बेटा। तुम उसके भाई हो, अपने भाई के भविष्य को नहीं बचाओगे? ये परिवार, ये घर मेरी जान है, तुम्हें आदि को बचाने के लिए अपने बाप की एक छोटी सी अर्ज भी नहीं मानोगे तुम? अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा? जो तुम चाहते हो। जहां तक हमको पता है, ये पैसा नेताजी का है, तुम्हारे अपने कमाए हुए नहीं। आज तुम जहां खड़े हो ना अधिराज पठान, वहां से काव्या की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। फोन उठाओ यार, कब से ट्राई कर रहे हैं हम, कल रात से। हेलो भाई, वो टैटू वाले का तो कुछ पता नहीं चला, घर घर जाके ढूंढा है उसे। औरतें अपना टैटू दिखाना तो दूर, हमसे बात करने को तैयार नहीं है। बहुत वड्डा से आपा खड़ा हो जाएगा बंसल। बंदे की गवाही बिना हमारे पास कोई और सबूत नहीं है। वो कमीने भट्टी वाले साफ बच निकलेंगे। हम कोशिश करते हैं भाई। कोशिश गई तेल लेने, सेंट्रल ऑफिस हम पे प्रेशर बनवा रहा है। एक साल में 197 करोड़ का घाटा हुआ है सरकार को, और ये सारा पैसा वो नकली शराब बनाने वालों की जेब में जा रहा है। जानते हैं सर, और जिनकी जाने गई है वो गिनती अलग है। तो गिनती बंद करो और कोई उपाय ढूंढो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो कांड हो जाना है, मैं बता रही हूँ। सर हम जानते हैं कि क्या करना, इससे वो सारी औरतें खुद चलकर हमारे ऑफिस तक आएंगी भी और अपना टैटू भी दिखाएंगी। बस फिर हमें उस आदमी के हाथ पर कूदे अ क से उसे मैच करना है। घर गाड़ी बंगला खाना सब कुछ गिरिराज प्रधान का है। आज तुम जहाँ खड़े हो ना अधिराज प्रधान, वहां से काव्या की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। जहां तक हमको पता है, ये पैसा नेताजी का है, तुम्हारे अपने कमाए हुए नहीं। छोड़ो, मैं क्या ये सब, अरे छोड़ो, जो भी है तुम्हारे पास हमें दे दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है हमारे पिताजी का है। झूठ, छोड़ो, मैं झूठ बोल रहे। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा दिमाग, हमेशा हंसते रहने की क्षमता, और सबसे ज्यादा कीमती तुम्हारा दिल, जो हम तुम्हें बिल्कुल लौटाने वाले नहीं है। हो गया। बहुत ही फक्कड़ किडनैपर हो तुम।
अरे ढंग का मांस तो खरीद लेती, तुम्हें कौन कुछ देगा काव्या? हमारी अकल किसी ने चोरी की है क्या? पहले कैसे बोल रहे थे ना कि हम तो इतने बड़े जीनियस हैं, हम जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। कौन से जीनियस है, तुम क्या कर रहे हो? पापा ने थोड़ा सा सुना दिया, पूरी हवा निकल गई। चुनौती दी है तुम्हारे पिताश्री ने, तो चुनौती को एक्सेप्ट करो। एक काम है, हमारे लिए करोगे? कैसा काम? लिखने का शौक है ना तुम्हें, तो अपने लिखने, अलग सोच और बात कहने के हुनर से कुछ ऐसा लिखो जो दिलों को छू जाए। क्या लिखना? हाँ, पैन कार्ड है और आधार कार्ड, मैं आपको भेजता हूँ। जी जी, मैं आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ। जी अब नमस्ते मैम। नमस्ते। ये आप किससे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे थे चंदू? वो लोन के लिए अप्लाई किया था, मैसेज आया था कि मुझे 3 लाख तक का लोन मिल सकता है, बहन की शादी है तो। अक्सर हम जल्दबाजी में लोन लेने के चक्कर में अनऑथराइज्ड ऑनलाइन लेंडिंग एप्स पर मिल रहे लोन से ना उसके चंगुल में फंस जाते हैं, जिससे बचना चाहिए क्योंकि हमें नुकसान हो सकता है। तो ऑनलाइन लोन कहाँ से लेना चाहिए? केवल RBI द्वारा ऑथराइज्ड बैंक या NBFC के ऐप से। अनऑथराइज्ड ऐप या फिर अनजान लोगों से अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना आप धोखा खा सकते हैं। अच्छा कि आपने बता दिया, बैंक का नाम तो बताया नहीं उसने। वैसे आप चाहे तो भमलपुर के किसी बैंक से एप्लीकेशन ले आइए, हम मदद करेंगे। जी शुक्रिया मैम। आदि, पापा ने हम दोनों को पार्टी ऑफिस बुलाया है, फाइनली वो ओमी का नाम दे रहे हैं, चलोगे ना? सच में? हाँ ऑफ कोर्स चलेंगे माँ। आओ फिर। ये सुनो, भमलपुर की विधवाओं को हमारी दया और सहानुभूति नहीं चाहिए, वो बस इतना कहना चाहती हैं कि उनके पतियों के साथ जो हुआ वो दुर्घटना नहीं हत्या थी। इन बेबस औरतों की चीखों की आवाज शायद कई शोर में खो जाती है, पर सुनने में आया है कि इन औरतों के त्याग को सम्मान देने के लिए भमलपुर कलेक्ट्रेट ने इन औरतों को अनाज और कपड़े देने का फैसला किया है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.